उमरिया रेलवे स्टेशन से दिनांक 26 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत करीब 300 यात्री उमरिया स्टेशन से रामेश्वरम के लिए रवाना हुए। बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह तथा जिला कलेक्टर के द्वारा तीर्थ यात्रियों को चंदन तथा माला पहनाकर रवाना किया गया। बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह ने तीर्थ यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। विधायक ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस के शासनकाल में तीर्थ दर्शन योजना बंद हो गई थी, जिससे कई गरीब वृद्ध जन तीर्थ दर्शन करने से वंचित रह गए थे। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार के बैठते ही फिर से योजना चालू की गई, जिसका लाभ हमारे गरीब परिवार के लोगों को मिल रहा है। निपानिया निवासी नन्हू ने बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गरीबों के श्रवण कुमार है। हमारा सपना था हम भी तीर्थ यात्रा करें, लेकिन अपनी गरीबी के कारण हम तीर्थ यात्रा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारा यह सपना साकार कर दिया। दर्शन योजना की जो आज सेतु बंधु रामेश्वरम के लिए रवाना हुई है, निश्चित ही रूप से जो वयोवृद्ध जिनके सयाने लोग रहते थे, वो एक सपना देखते थे कि हम भी कोई दूर दराज का तीर्थ जाके घूम आए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के हमारे जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, ये एक श्रवण कुमार, जिस तरह श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे में बैठा करके और कामर में ले जा करके तीर्थ दर्शन कराए थे, वो एक कारगर योजना ये साबित हुई है कि हर घर से जो भी फार्म भरते हैं उनको इस योजना का लाभ अधिक से अधिक मिला है। विगत पूर्व में कांग्रेस के शासनकाल में इस योजना को बंद करा दिया गया था, जिससे कई वृद्ध जन जो है इस योजना से वंचित रह गए थे। नौरोजाबाद से अनिल मिश्रा की रिपोर्ट। Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development with focus on creating industry ready professionals. Join India's premier skill based university, Rabindranath Tagore University.